यहाँ पर छील रहे हैं और गुंजन वाला सड़ा निकल गया। कहते हैं ना, चाहे जितना भी अच्छा वक्त आ जाए, लेकिन अपना बुरा वक्त कभी भूलना नहीं चाहिए। तो बुरा वक्त एक ऐसा समय है कि जो अपने बहुत खास रहते हैं, उनके चेहरे से नकाब हट जाता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो भैया दीदी हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा। तो लास्ट तक वीडियो देखना प्लीज, आप सबको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आज हमारे यहाँ देखिए सुबह सुबह बारिश हो रहा है। सुबह घाम था, धूप निकला हुआ था, लेकिन अब इस समय बरस रहा है। मैं खाना बना ली थी, यहाँ बैठ के खा रही हूँ। दाल चावल एक में मिल गया। और आप सबको बारिश दिखा रही थी, बारिश हो रहा है, जा यहाँ रहा है। पर छोटा छोटा, हाँ तो ये फूलने वाला ही है। और यहाँ पर बीच अब बीची भी आप सब देख लीजिए, अंजलि का देखिए, बीची लेकर आई है। ये खरीदती है खिलौना 1-2 रुपये का, ये बाल का मिलता है, बाल ये का। भी अच्छा, बाल बेच कर लाई है, मैं ही भूल गई। तो दोस्तों, दोपहर के समय धूप निकल गया है, यहाँ पर तैयार हो गई हूँ, चल रही हूँ चौराहे पे। अब तो हम ही को जाना पड़ेगा सब्जी लेने के लिए। यहाँ पर गुंजन झाड़ू लगा रही हैं अभी वहाँ किचन के पास। तो यहाँ से हम निकलते हैं, झोला सब ले लेते हैं, वहाँ का लोकेशन थोड़ा सा आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, हम चौराहे पे आए थे और चल रहे हैं, चौराहे से वापस भी हो गए। तो घर पे ही आप सबको दिखाई थी, चंदन साइकिल चलाए थे, साइकिल चला रहे हैं और हम बैठे हुए हैं पीछे। तो कोहरा है, वीडियो साफ भी नहीं दिख रहा है, इसीलिए मैं चौराहे का भी नहीं। तो चंदन वहाँ उतार दिए हमें सड़क पे, यहाँ माता के स्थान आ गई हूँ, चल रही हूँ घर पे। पीछे पीछे अंजलि गुंजन आ रही हैं, सब दुकान पे गई थी। तो हम चलते हैं, यहाँ देखिए माता का स्थान आ गया, वहाँ पर अंजलि आ रही है दौड़ के, गई थी दुकान पे। आ गई हूँ और यहाँ पर जो जो सामान हमें लेना था जरूरी, वो सामान ले ली हूँ। तो आज एक सामान बहुत अच्छा मिल गया, मोबाइल का कवर। हमारा बहुत खोजते खोजते कहीं दुकान पे वो मिलता ही नहीं, क्योंकि वो पुराना सेट हो गया ना, तो बंद हो गया। तो सब सामान यहाँ पर रखते हैं। और आज 2 काम शुभ हुआ, अभी आप सबको दिखाती हूँ। तो ये काम अचानक से, मतलब ना मिलने वाला ना मिलने वाला, बस आज सारा पैसा इसी में चला गया। तो यहाँ पर हमारी अंजलि का आधार कार्ड बन गया है, यानी मैं कंप्यूटर से निकलवा लाई हूँ। अभी जो सरकार के द्वारा मिलता है, नहीं मिला तो कंप्यूटर से निकलवाने में ये हमसे 100 रुपया ले लिए भैया वो। और मैं समझ के गई थी कि 50 लेंगे। यहाँ पर हम दाल डिब्बा में डाल देते हैं, हाँ। तो दाल बहुत जरूरी था लेना, दाल ले आई हूँ। सब्जी टाइम से ना रहे तो दाल ही बन जाएगा, क्योंकि अब तो कोई चौराहा जाने वाला डेली डेली है नहीं। नहीं तो पहले तो चंदन के पापा चले जाते थे, अब आएंगे कहाँ। सबसे ज्यादा दाल मिली 1.5 किलो। तो दोस्तों, जो सामान लाई सारा रख दी, चंदन कैमरा के पीछे बोल रहे हैं आज लेकर गया था, आज को रुपया नहीं दी ना हमें, तो आज पैसा बढ़ा ही नहीं तो देंगे कहाँ से। तो दोस्तों, साफ से धुल दी थी और लगा देते हैं यहाँ पर तोरण बनाई थी। तो यहाँ पर पहले बांधा हुआ था, उसी तरह बांधेंगे। तो यहाँ पर इतना लगेगा, हाँ। तो यहाँ पर लगा दी, शायद उल्टा लगाई थी, सीधा है। तो कट लगा देते हैं और धूली, इसका कलर सब निकल गया, तो इसे खराब हो गया है। तो यहाँ पर लगा देते हैं,
शायद यहीं पे लगा था, कहाँ पे लगा था, इसी में लगा था। यहाँ पर लगा दी, अब एक बचा है, इसको भी लगाना है। सब लोग बता रहे हैं उल्टा हो गया, सीधा हो गया। तो सब धुल दी थी, इतना काम हमारा हो गया। गेंदा बना दी। दोस्तों चौराहे से आने के बाद में 30 रुपए का मैं संतरा ले ली थी, और यहाँ पर 5 पूरा चढ़ा है। और सुबह आप सबको दिखाई थी, बारिश बहुत हो रहा था, चौराहे से लौट रही थी, वीडियो दिखा रही थी, बहुत धुंधला आ रहा था वीडियो। तो इस समय थोड़ा हल्का धूप निकला है, दिन यानी डूबने वाला है, 2 घंटा समय है। तो यहाँ पर निकाल रहे हैं, ये पत्ती छपा है, ये लो। तो मेरा 2 मिला, एक चंदन का है, एक मेरा है। तो यहाँ पर छील रहे हैं, और गुंजन वाला सड़ा निकल गया। तो अभी गुंजन हमारे में ले लेना, जब नहीं अच्छा लगेगा तो मैं अपने से में से आधा दे दूंगी। थोड़ो शुरू करो, चंदन वाला दे दो। देखिए इतना खुश थी, अब रोने लगी उसी के चक्कर में। थोड़ा सा दाग है, यही कहते हैं ना, खाने को नहीं मिलता तो सबर रहता है, अगर मिल जाता है तो उसमें थोड़ा कमी है तो वो सबर नहीं, कह रही हैं। मेरा भी उसी तरह है, इनका भी उसी तरह, थोड़ा दागी है दोस्तों, इसीलिए सस्ते में देकर गए हैं भैया। ये बाटे तो पकड़ो, अभी रोत रहे हैं। तो यहाँ पर सब लोग लगे हैं अपना फोड़ने में, गुंजन रोने लगी अचानक, अपने में से थोड़ा दी गुंजन को, अभी देखते हैं उनका। मेरा भी दागी है ऐसे। हाँ, चंदन का भी दागी है ऐसे, दिखा रहे हैं। मेरा नहीं है। अंजलि का नसीब ठीक था, मेरा तो भी नहीं है। हाँ, तो शीतल का भी। तो सब लोग खा लिए, छिलका इतना बचा और किसका ज़्यादा है, अब अभी खाएंगे, ले चलते हैं। दोस्तों चलते हैं, बहुत बड़ा बड़ा फूल गोभी काटते हैं, इतना बड़ा बड़ा मेरे किचन गार्डन में फूल गोभी लगा। देखिए यहाँ पर ये करीब होगा 2 किलो का, तो इसलिए कह रही हूँ बहुत छोटा गोभी लगा है, एक यहाँ लगा है। दोस्तों आप सबको बताई थी 2-2 किलो का फूल गोभी लगा हुआ है, देखिए हाथ में ली हूँ, इतना ही छोटा छोटा फूल है, तो इतना ही फूल तैयार था, और ये खराब हो जाएगा, इससे बड़ा नहीं होगा, तो इसीलिए इसका कटाई कर दी, और यही सब्जी बनेगा शाम के खाने में। यहाँ बकरी के लिए गुंजन पत्ते गोभी का पत्ती तोड़ ली है, ले जा रही है खिलाने के लिए। पत्ता गोभी अब नहीं फुलाएगा, खराब हो गया। हाँ, तो ये अब की बार पौधा जो लगा था नहीं फुलाया, वहाँ ले जा रही है। अभी हम भी चारा दिए थे, गुंजन भी दे रही है। यहाँ पर हम छोरी को पत्ता गोभी का उपाधि दे रहे हैं। तो ये ताज़ा पत्ती जो है बहुत पसंद आएगा, और जो भूसा रखते हैं वो नहीं खाती हैं। तो दोस्तों आज दिन भर ठंडी था, यहाँ शाम के टाइम भी ठंडी आज अधिक है, जिस तरह आज 4-6 दिन पहले था। धूप तो निकल रहा था, बीच में बस बारिश हो गया, तो 2 दिन से दिन कभी निकलता है कभी बादल छा जाता है। तो यहाँ हम लोग शाम के टाइम में हम और गुंजन खाना बना रहे हैं, आप सबको दिखाई थी गोभी काटी थी थोड़ा सा छोटा छोटा, आलू गोभी मटर का सब्जी बना है। देखिए रोटी और सब्जी बनी। हाँ, चावल नहीं बनेगा क्योंकि चावल रखा हुआ है, तो थोड़ा सा एक कटोरी फेंका जाएगा, तो मैं बोली रहने दो, जिसका मन करेगा थोड़ा थोड़ा उसी में खा लेना, रोटी ही बनाओ, चावल मत फेंको, क्योंकि हमने अपना बुरा टाइम देखा है, वो याद आ जाता है। अब भी कोई अच्छा नहीं है, लेकिन फिलहाल चावल के लिए भी तरस जाते थे, एक समय था दोस्तों। तो आप सबके प्यार आशीर्वाद से आज 2 टाइम का खाना बन रहा है, कभी ऐसा समय था कि 1 टाइम का ही खाना बनता था। कहते हैं ना, चाहे जितना भी अच्छा वक्त आ जाए, लेकिन अपना बुरा वक्त कभी भूलना नहीं चाहिए, और बुरे वक्त को याद करके कभी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त एक ऐसा वक्त है कि जो अपने बहुत खास रहते हैं उनके चेहरे से नकाब हट जाता है।
तो हमने वो दौर देखा है, बुरे वक्त में लोग तमाम प्रकार के बातें सुनाया करते थे, लड़ाई ऐसा होता है जिंदगी सभी के साथ होता है दोस्तों, हमारे ही नहीं। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ़ करना। कल वाले कमेंट में सभी भाई बहन बहुत अच्छे से कमेंट किए, सबको तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह अपना साथ सपोर्ट देते रहिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। नमस्ते नमस्ते, लाइक कर से कमेंट प्लीज हासी लाल के कर दिया ज्यादा ज्यादा मामा से शेयर करो वीडियो।